हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से जानवरों को आप इंडिया में एज अ पेट रख सकते हो। नंबर 10, नॉन नेटिव स्पीशीज ऑफ स्नेक्स। इसके अंदर आते हैं जैसे कॉर्न स्नेक या बॉल पाइथन। नंबर 9, गिनी पिग्स। इसके नाम पे मत जाना, ये कोई पिग नहीं है, ये रोडेंट की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका लाइफ स्पैन है 4 से 8 ईयर्स के बीच में। नंबर 8, फिश। ये जैसे नॉन नेटिव स्पीशीज होती है जैसे गोल्ड फिश, एरवाना और टेट्रास, ये आप रख सकते हैं पेट्स के तौर पे। नंबर 7, हैमस्टर्स। स्मॉल रोडेंट्स होते हैं ये भी और ये मैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 ईयर्स के बीच में। नंबर 6, नॉन नेटिव स्पीशीज ऑफ पैरट्स। इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये अफ्रीकन ग्रे होता है, कॉनियोर्स होते हैं और लव बर्ड्स आते हैं। नंबर 5, कैट्स। ये भी कॉमन है इंडिया के अंदर एज अ पेट। इसके अंदर भी कई सारी स्पीशीज आती है जैसे पर्शियन कैट और हिमालयन कैट्स। नंबर 4, डॉग्स। इसके अंदर भी कई सारी स्पीशीज आती है और ये भी मोस्ट कॉमन पेट एनिमल होता है और ये भी मैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 3, इगुआना लिजर्ट। इगुआना लिजर्ट हर्बीवोरस लिजर्ट होती है और ये ट्रॉपिकल एरिया जो थे मेक्सिको के और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है ये। नंबर 2, शुगर ग्लाइडर। ये ओमनिवोरस स्पीशीज होती है, नॉक्टर्नल होते हैं ये और ये ना ग्लाइड करते हैं एयर में, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल ग्लाइड करती है ना, वैसे ही ये ग्लाइड करते हैं। नंबर 1, हेजहॉग्स। ये स्मॉल स्पाइनी मैमल्स होते हैं और ये भी रोडेंट्स की फैमिली में आते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 ईयर्स के बीच में। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए।